अध्याय 21। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पत्रा में और एक जहाज फीनीके को जाता हुआ मिला और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब कुप्रुस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूर्या को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था। और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, यरूशलम में पांव ना रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सबने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलेमियस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ 1 दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर केसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7ों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थीं, जो भविष्यद्वाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। उन दिनों के बाद हम बांध छांद कर यरूशलेम को चल दिए। केसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहां टिकें। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से और लोहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर गया और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन, अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उसकाया।
और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि हे इस्राएलियो, सहायता करो। ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने तो इससे पहले त्रिफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वो तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और दो जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई ना जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वो सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4,000 कटार बंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब वे चुप हो गए तो वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा कि